नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं अशोक वर्मा। आपसे निवेदन है कि जो भी चोरी छिपे आ रहे हैं उनकी सूचना आप प्रशासन को उपलब्ध करावें। यह आपका फर्ज ही नहीं कर्तव्य भी है। आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। निजामाबाद थाना क्षेत्र के कोल्हपुर सिमरी गांव में 7 मई को दबंग ग्राम प्रधान ने बदमाशों संग लाठी डंडे से लैस होकर गांव निवासी बलदेव शुक्ल के घर पर धावा बोले, पूरे परिवार को बुरी तरह से मारा पीटा। इस मारपीट में बुरी तरह घायल अश्विनी शुक्ल व नीतीश शुक्ल अभी भी सदर अस्पताल में जीवन मौत से जंग लड़ रहे हैं। उस समय सूचना मिलते ही थाना प्रभारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच तत्काल घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया और प्रधान समेत उनके आधा दर्जन समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया। मामले को ठंडे बस्ते में डाल हाथ पर हाथ धरे बैठे गए। घटना को 12 दिन बीत जाने के बाद भी दबंग खुलेआम घूम रहे हैं। जब हमने बात की पीड़ित बलदेव शुक्ल से तो उन्होंने कहा कि परिवार के लोग दहशत के कारण रात भर जाग रहे हैं। पीड़ित परिवार की महिलाएं डर के कारण सदर अस्पताल में घायल परिवार वालों को देखने नहीं जा पा रही हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से न्याय की मांग की है। मैं बलदेव शुक्ला, ग्राम कोलपुर थाना निजामाबाद। 7 तारीख को ग्राम प्रधान उनके साथियों द्वारा मेरे घर में घुसकर पूरे परिवार को मारा पीटा गया था, जिस पर शासन प्रशासन ने आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं की और नहीं तो राजनीतिक दबाव में इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। जो कि आज इस प्रकरण को 12 दिन हो गया, हमारे घर के 2 बच्चे आज भी जिंदगी और मौत के बीच जिला अस्पताल में लड़ रहे हैं। कृपया हमारी मदद की जाए।